लेक्चर थ्री फेरी सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ एलर फाइव फंक्शन शो दैट नंबर ऑफ फ्रैक्शंस इन फेरी सीक्वेंस एफ एन इज गिवन बाय 1, 5, 1, 5, 2 एंड 5। टोटल नंबर ऑफ फाइव हमें प्रूव करना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन फेरी सीक्वेंस ये होंगी। यदि हम एन की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 लेंगे तो दिस बिकम दिस 1 एंड 5 1, इसका उत्तर 2 आ गया। और हमें पता है कि एफ वन में केवल दो ही सीक्वेंस होती है 01 एंड 11। तो इस प्रकार हमारा रिजल्ट ट्रू हो गया एन इज इक्वल टू 1 के लिए। अज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर लेस देन एन। कंसिडर एफ एन। नाउ एफ एन यानी कि हमने मान लिया कि रिजल्ट है लेस देन एन के लिए ट्रू है, एन के लिए ट्रू करना है। तो एफ एन कंटेन्स ऑल द टर्म्स ऑफ एफ एन माइनस वन प्लस दोज फ्रैक्शन हुज एच बाई एन, जो एच बाई एन हो, सच दैट जी सी डी ऑफ एच एन एन इज 1 एंड एच इज लेस देन एन। बाई डेफिनेशन द नंबर ऑफ टर्म विच आर एक्स्ट्रा, इस प्रकार की जो एक्स्ट्रा टर्म है जिनका जी सी डी 1 होना चाहिए वो 5n बनेगी। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एफ एन, नंबर ऑफ टर्म्स इन एफ एन माइनस 1 प्लस 5n, टोटल मिला के बन गया। इस प्रकार हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर हमें ये प्रूव करना है कि इसका आंसर ये होगा। ये आर क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स इन एफ एन। हमें पता है कि ए बी यदि एफ एन में है तो इसका मतलब ए और बी का जी सी डी 1 है और ए लेस देन बी भी है। वी आल्सो नो दैट बी माइनस ए का जी सी डी, बी माइनस ए और बी का जी सी डी ए बी के जी सी डी के बराबर होता है, इसलिए इसका जी सी डी भी 1 हो गया। और आल्सो बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू बी, इस मतलब बी माइनस ए बटे बी एफ एन में होगा और इसका मतलब ये भी एफ एन में, यानी कि ए बाई बी एफ एन में है, फेरी सीक्वेंस है, तो 1 माइनस ए बी बी क्या होगी? फेरी सीक्वेंस होगी। आगे देखिए, हेंस वी कंक्लूड दैट इफ ए बी बिलोंग्स टू एफ एन एंड दिस बिलोंग्स टू एफ एन। इसका मतलब क्या है कि एज ए आई बी आई रन ओवर एफ एन तो 1 माइनस ए आई बी आई मस्ट ऑल्सो रन ओवर एफ एन इन अपोजिट ऑर्डर, यानी कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर में हो जाएंगी। ठीक है, तो वी नो दैट इनका जो सम है और इनका जो सम है दैट शुड बी सेम। तो यहां से यह आ गया आर, और यदि हम इसको परली तरफ ले जाते हैं तो आर बाई टू और आर की वैल्यू रख दी तो वी गेट द आंसर। नेक्स्ट, वेरीफाई दैट इफ ए बाई बी इज लेस देन सी बाई टी आर द टू कंजक्टिव फ्रैक्शंस, टू फ्रैक्शंस इन एफ एन एडजेसेंट टू हाफ, देन प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू 1, यानी कि एक हाफ से इस तरफ है, एक हाफ से इस तरफ है। फर्स्टली वी शो दैट नो टर्म इन एफ एन इज लेस, नंबर ऑफ टर्म इन एफ एन इज लेस देन इज सेम एज ग्रेट मोर देन हाफ, यानी कि हाफ से छोटी और हाफ से ज्यादा की टर्म सेम है। फ्रॉम अबव थ्योरम वी से दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ एन एंड लेस देन हाफ, देन 1 माइनस ए बी बिलोंग्स टू बी एफ एन होगा, बट दैट इज ग्रेटर देन हाफ। सिमिलरली यदि ए बी ग्रेटर देन हाफ है तो 1 माइनस ए बी लेस देन हाफ होगा। इट इज नोन दैट नंबर ऑफ टर्म इन एफ एन आर फाइनेट, हेंस नंबर ऑफ टर्म इन लेस देन हाफ एंड ग्रेटर देन हाफ आर सेम। सो देयर द नंबर ऑफ टर्म ग्रेटर देन हाफ, नंबर ऑफ टर्म बिटवीन हाफ एंड 1/2, ठीक है, so the there is number of term between half, no term between half and b a by b and 1/2, और a b half से छोटा है, और ऐसे कोई भी term नहीं है 1/2 और c by d के बीच में, और half c d से छोटा है। we conclude that a b i run over the number of, we conclude that a i b i run over terms of f n and 1 minus a i b i must also run over terms in f n in opposite order। फ्रॉम 1 and 2 वी कंक्लूड दैट कि सी डी इज इक्वल टू 1 माइनस ए बी। हमने बताया है कि जो जस्ट हाफ के बाद है वो 1 माइनस ए बी करने के बाद जस्ट हाफ से बड़ा हो जाएगा, तो जस्ट हाफ से बड़े का मतलब है सी डी। तो इस प्रकार सी डी इज इक्वल टू 1 माइनस ए बी और हमारा रिजल्ट आ गया ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट थ्योरम, ये क्या है? हमारी एक फेरी सीक्वेंस है जहां पर आर की वैल्यू ये है, प्रूव कर चुके, हमें ये प्रूव करना है। We know that last term of Fn is this,
फर्स्ट टर्म इज दिस, तो ये हो गया ए आर, ये ए आर बाई बी आर, ये हो गया ए वन बाई बी एन। वन को लिखा ए आर बाई बी आर वन है, वन में क्या गया ये टर्म घटा दी जोड़ दी घटा दी जोड़ दी, इस प्रकार लिख दिया। बट वी नो दैट इफ ए बी एंड सी डी आर कंजक्टिव टर्म और ए बी सी डी से लेस है तो बी सी माइनस ए डी क्या होता है, वन होता है। तो हम इसका बीच का कोई भी टुकड़ा ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर वाला वन हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा बी आई माइनस वन। तो ये यहाँ वन, ये क्या बन गया बी आर माइनस वन, बी आर माइनस वन, बी आर माइनस टू, लाइक दैट। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी के साथ ये थ्योरम होगी हमारी समाप्त। नेक्स्ट, फॉर एनी रैशनल नंबर बिटवीन जीरो एंड वन, एन इंटीजर एंड इंटीजर एन, ओके, देयर एग्जिस्ट ए फ्रैक्शन यू वी बिलोंग टू एफ एन सच दैट एक्स माइनस यू वी इज लेस देन वन बाई वी एन प्लस वन। इन फेरी सीक्वेंस एफ एन इफ ए बी इज लेस देन सी डी बिलोंग्स टू एफ एन, हमने ले लिया ए बी और ए बी इज लेस देन सी डी है और वो एफ एन में बिलोंग करता है, मैं एलसीएम लूंगा तो ये आएगा। फेरी सीक्वेंस में खासियत होती है ए बी सी डी, ए और सी तो जीरो हो सकते हैं बाकी बी और डी शुड बी पॉजिटिव, ये आ गया। अब इसमें मैंने क्या किया ए बी एड कर दिया, ए बी सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस प्रकार हमारे पास ये आ गया। सिमिलरली हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं, इसका मतलब इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये होगा। हमने अज्यूम किया है कि ये दो कंजक्ट, यदि हम अज्यूम करते हैं दोनों कंजक्टिव फ्रैक्शन है तो जो एक्स है, हम क्या कहते हैं दो कंजक्टिव फ्रैक्शन है जिसके बीच में एक्स है, तो होगा क्या एक्स जो है या तो इसके और इसके बीच में लाई करेगा या एक्स इसके बीच में, एक्स ये नहीं हो सकता क्योंकि दिस इज ए रैशनल नंबर, एक्स इज ए इरेशनल, इसे क्या बोलते हैं मीडियंट ऑफ द टू फ्रैक्शन। Also BC minus AD is equal to 1 and B plus D is greater than N. B plus D is greater than N है, इसका मतलब BD, B plus D is greater than equal to N plus 1 हो जाएगा, क्योंकि N equal to लाना है तो यहाँ N plus 1 आ जाएगा। अब मैंने बताया था हम यदि पहली सिचुएशन लेते हैं कि X बड़ा है, इस दिस माइनस दिस, इस X से बड़ी चीज क्या लिख दी हमने, ये रख दी, ये आ गया, LCM लोगे, ये आपका 1 है और मैंने क्या किया है बी प्लस डी आपने ऊपर प्रूव किया था ग्रेटर देन एन प्लस वन, तो यहाँ रख दिया एन प्लस वन, तो ये आ गया हमारे पास। यदि हम दूसरे केस की बात करें सी डी माइनस एक्स रखें, दूसरा केस अब एक्स से छोटा रख दिया, वही चीज आ गई, यहाँ बी आया यहाँ डी आया, ये अकॉर्डिंगली क्वेश्चन है अकॉर्डिंगली, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द केस टेक यू वी इक्वल टू ए बी तो हमें ये मिलेगा, और यदि यू वी को हम ये लेते तो ये मिलेगा, इस प्रकार हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। नेक्स्ट, कोरली गिवन ए पॉजिटिव रैशनल नंबर एक्स एंड एन ग्रेटर देन जीरो, देयर इज इरेशनल नंबर एक्स, एक इरेशनल नंबर एक्स है और एन क्या ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट ए रैशनल नंबर ए बी विद बी इज जीरो से एन सच दैट दिस, पिछले और में फर्क है, पिछले में सिर्फ आपने कहा था इरेशनल है वो जीरो और वन के बीच में, अब जनरल करना चाहते हो, एक्स को लिखा ग्रेटर इंटीजर एक्स प्लस आर, आर की वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी। अब वो थ्योरम के हिसाब से जो, क्योंकि ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल है, आर को आपने इस प्रकार लिख लिया। अब हम क्या चाहते हैं, ए लिया हमने दिस एक्स माइनस ए बी, ए की वैल्यू रख दी बी की वैल्यू रख दी, यहाँ बस गया आर माइनस यू वी और हमारा रिजल्ट आ गया, तो वी की वैल्यू हमने बी ली थी, वी गेट द थ्योरम। अब हम इसके ऊपर आधारित दो क्वेश्चंस करना चाहते हैं थ्योरम सर। फाइंड ए फ्रैक्शन ए बी विद बी की वैल्यू है जीरो से बड़ी सेवन या सेवन छोटी, तो ये तो सच दैट थ्री माइनस ए बी इज लेस देन इक्वल टू वन बाई एट बी, तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, अभी निकाल देते हैं। रूट थ्री माइनस वन ये होता है फॉर फेरी सीक्वेंस एफ सेवन, एफ सेवन क्यों लिया इसको देखते हुए, द वैल्यू ऑफ दिस लाइज इन द इंटरवल बिटवीन द कंजक्टिव फ्रैक्शन, ये जो वैल्यू है इस दो कंजक्टिव फ्रैक्शन के बीच में लाई करती है, इसकी मीडियन टर्म ये आ गई। अब हमने ये देखना है कि मीडियन टर्म जो है, मीडियन टर्म जो ये जो आया है हमारा मीडियन टर्म, इस वैल्यू से बड़ी है या छोटी है, जैसे इस पार्ट में ये मीडियन टर्म छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है, तो हम इसको इस फ्रैक्शन से कंपेयर करेंगे, नहीं तो इससे करते। अब यहां लिखा हमने दिस माइनस थ्री बाई फोर, ये आएगा थ्योरम के हिसाब से। अब मैंने क्या किया, इधर भी वन ऐड कर दिया और इधर भी वन ऐड कर दिया, तो रूट थ्री माइनस एट सेवन बाई फोर इज लेस देन वन बाई एट फोर, वन बाई एट एट इंटू फोर, यानी कि एक जन बी की वैल्यू हमने यहाँ फोर रखी है, सो दैट जो हमारा को जो आंसर था वो सेवन बाई फोर फ्रैक्शन के फ्रैक्शन आया। इसी प्रकार ऑब्टेन ए फ्रैक्शन ए बी विद बी की वैल्यू जी ग्रेटर देन जीरो लेस देन इक्वल टू एट सेटिस्फाइंग दिस,
पाई माइनस टू ये हो गया। फॉर फेरी सीक्वेंस एफ एन द वैल्यू ऑफ दिस लाइज इन द इंटरवल बिटवीन द कंजक्टिव फ्रैक्शन 1/8 एंड 1/7। ये इसका मीडियन फ्रैक्शन होगा जिसका आंसर ये आ गया। अब हमने चेक करना था ये मीडियन फ्रैक्शन, इस मीडियन फ्रैक्शन जो है इससे छोटा है, फिर वही बात किसके साथ कंपेयर हो जाएगा, 1/7 के साथ कंपेयर हो जाएगा। ये आ गया। अब हमने क्या किया, 3 इधर ऐड किया, 3 इधर ऐड किया, पाई बन गया, पाई माइनस 22/7 लेस देन इक्वल टू 1/9 × 7। अब आपकी एक्सरसाइज ऑब्टेन ए फ्रैक्शन ए बी जहां पर बी की वैल्यू 0 से बड़ी हो, लेस देन इक्वल टू 5 सच दैट √7 − AB इज लेस देन इक्वल टू 1+6B। आंसर ये आएगा, आप चेक करें एंड सॉल्यूशन भेजें, ठीक है। इसी के साथ फेरी सीक्वेंस का टॉपिक आपका समाप्त हो जाता है।